हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। माई नेम इज़ अफसर एंड यू वॉचिंग टेक्निकल अफसर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वेरिफिकेशन बैच को ले सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को ब्लू टिक से वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा, काफ़ी सारे जो बड़े बड़े जो यूट्यूब के ऊपर क्रिएटर होते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिएटर होते हैं, या फिर कहीं पर जो फेमस लोग होते हैं, उनके आईडी के सामने आपको एक वेरीफिकेशन बैच या फिर वेरीफिकेशन टिक देखने को मिलता है। तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि हमारे अकाउंट के ऊपर भी हम किस तरीके से इस टिक को इनेबल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसके प्रोसेस बताऊंगा, एंड आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर क्लियर होंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। तो गाइस, वेरिफिकेशन बैच लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको सेटिंग्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अकाउंट का। आप जैसे अपने अकाउंट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अभी देखिए, यहाँ पर आपको ये सिंपल सी आपके कुछ चीज़ें मांगता है जो कि आपको इसको देना होता है। ये यहाँ पर बोल रहा है कि अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन, ए वेरिफिकेशन बैज इज अ चेक दैट अपीयर नेक्स्ट टू एन इंस्टाग्राम अकाउंट्स नेम इज इंडिकेटेड द इंडिकेटेड दैट द अकाउंट इज द ऑथेंटिक प्रेजेंस। तो इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा ये क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फुल नेम देना होता है, उसके बाद यहाँ पर नाउन एज, मतलब कि लोग आपको किस नाम से जानते हैं, आपको वो डालना होता है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर टेक्निकल अफसर के नाम से डालते हैं, मुझे जानते हैं, तो यहाँ पर मैं टेक्निकल अफसर डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी पूछेगा, तो आपको अपने हिसाब से आपकी जो भी कैटेगरी है, फैशन की हो, म्यूज़िक की हो, स्पोर्ट की हो, न्यूज़ की हो, तो आपको उसको डाल देना है। सिंपली मेरी यहाँ पर ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक गवर्नमेंट आईडी लगाना होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, उसके अलावा यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपका वोटिंग कार्ड, या फिर जो भी यहाँ पर जो भी चीज़ें मेंशन है, आपको उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो सिंपली आप चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको अपनी गैलरी से एक फाइल सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं जस्ट यहाँ पर रैंडम पिक सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको सेंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इतनी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद ये आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप दे देता है कि वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड, वी विल लेट यू नो वंस वी विल रिव्यूड योर रिक्वेस्ट फॉर अ वेरिफिकेशन बैच। तो इन्होंने हमें बता दिया है कि आपकी जो वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट थी, उसको हमने सबमिट कर लिया है, हम आपको आपके अकाउंट को हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे वेरिफिकेशन बैच आपको मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो भाई देखो, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी है कि आप किस तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर अपना वेरिफिकेशन बैच ले सकते हैं, या फिर आपको भी लग रहा होगा कि आप अपने बैच को ले सकते हैं या नहीं। तो ये कोई मूका खेल नहीं है इंस्टाग्राम के ऊपर वेरिफिकेशन बैच को लेना, या फिर किसी भी ऐसे पॉपुलर ऐप के ऊपर आप अपना वेरिफिकेशन बैच नहीं ले सकते हैं, या फिर ब्लू टिक से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। हर ऐप का एक अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले आपको उसको फिलफिल करना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब की अगर बात करूँ, अगर आपके चैनल के ऊपर 100K सब्सक्राइबर है, तो आपके चैनल को एक टिक मार्क देखने को मिलता है, या फिर वेरिफिकेशन बैच देखने को मिलता है, जिससे कि लोग आपके चैनल के ऊपर और अदर आपके नाम की तरह चैनल के ऊपर डिफरेंस समझ सकते हैं, ताकि उनको आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन बैच शो हो। उसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐसा ही है, अगर आप कुछ फेमस पर्सनालिटी है, या फिर अगर आप एक बिग इन्फ्लुएंसर है, वो मैटर नहीं करता है कि आपके इंस्टाग्राम के ऊपर कितने फॉलोअर है या फिर कितने नहीं हैं, यहाँ पर ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, बल्कि यहाँ पर ये चीज़ें मैटर करती है कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, कितने न्यूज़ चैनल्स ने आपको कवर किया है, कितने न्यूज़ पोर्टल ने आपको कवर किया है, कितने न्यूज़ पेपर के अंदर आप आए हो, या फिर आपके आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं या फिर नहीं, उसके अलावा क्या विकिपीडिया के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्टर होती है। चाहे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर 1 मिलियन फॉलोअर हो या फिर 10 मिलियन फॉलोअर हो, वो मैटर नहीं करता है, यहाँ पर आपकी एक फेमस पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आप इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, चाहे आप डांसर हो, जो भी हो, वो मैटर नहीं करता, और ना ही आपके फॉलोअर्स यहाँ पर मैटर करते हैं।
तो अभी आपको अगर लग रहा होगा कि भाई हम अगर वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई अगर करेंगे तो मैं आपको बता दूं 100% आपका वेरिफिकेशन बैच की रिक्वेस्ट यहाँ पर रिजेक्ट होने वाली है, बिकॉज आप उनके क्राइटेरिया में नहीं बैठते हो। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर वो आपके अंदर अगर चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम के ऊपर वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई करो। अगर आप उनके क्राइटेरिया में बैठते हो या फिर आप अगर फेमस पर्सनैलिटी हो तो डेफिनेटली आपका इंस्टाग्राम वेरीफाई हो जाएगा, आपको ब्लूटिक मिल जाएंगी। वैसे मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बात करूँ तो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं तो उनका भी अभी तक अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि बस यही सारा रीज़न है। तो आप अगर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वेरिफिकेशन बैच को लेना चाहते हैं तो पहले आप अपने अकाउंट को उस लायक बनाओ, अपने आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको एक फेमस पर्सनैलिटी बनाओ। उसके बाद आपके आर्टिकल वगैरह जब आना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आपके नाम का विकिपीडिया बन जाएगा या फिर आपके न्यूज़पेपर के अंदर नाम आ जाएंगे, जब आप एक फेमस हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको अप्लाई भी करने की ज़रूरत यहाँ तक नहीं पड़ सकती है, इंस्टाग्राम खुद ब खुद आपको एक वेरिफिकेशन बैच दे देता है। सो गाइस, होप करता हूँ कि आपको इंस्टाग्राम के ब्लू टिक या फिर वेरिफिकेशन बैच के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होंगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो अफसरशाह60 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।